हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में थोड़ा सिलेबस से हटके मैं आपको टिप्स दे रही हूँ, बिकॉज आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कुछ है एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए तो वो दो ही चीज़ हैं। पहला कि हमने सही तरीके से प्रैक्टिस की हो, और दूसरी कि उस प्रैक्टिस को सही तरीके से यूज़ भी करना आता हो। बहुत बच्चे होते हैं जो पढ़ते बहुत हैं बट फिर भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, बिकॉज वो सही तरीके से एग्ज़ाम टाइम पे अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते, जो क्वेश्चंस हैं वो सिलेक्ट ही नहीं कर पाते। टाइम वेस्ट हो जाता है और फिर बाद में पछताना पड़ता है कि हमें वो आता था बट वो मिस हो गया क्योंकि टाइम नहीं था। प्रीलिम्स में आपको भी पता है कि टाइम बहुत लिमिटेड होता है, 20-20 मिनट्स होते हैं और वो पता भी नहीं लगते कहाँ चले गए, तो वेस्ट नहीं करना है कहीं पर भी टाइम। तो मैं वो टिप्स दे रही हूँ जो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा करेंगी। मैंने भी यूज़ करी थी और इनका ज़रूर फ़ायदा होता है। यही है जो आपको बाकियों से आगे लेके जाता है। ठीक है, नॉर्मल तरीके से तो सब जाते हैं पढ़ के प्रैक्टिस करके, लेकिन वहाँ पर किस तरीके से हम अटेम्प्ट करते हैं वो डिसाइड करता है कि हमारे अटेम्प्ट कितने अच्छे हैं और कितना हमें उनसे फ़ायदा होगा। बहुत लोग होते हैं जो 90-90-100 में से अटेम्प्ट करके आते हैं बट उनके फिर 60 भी नहीं बन पाते, क्योंकि या तो उन्होंने तुक्के मारे होते हैं या फिर इतने फासले किया होता है सब कुछ करने के चक्कर में, जो आता था वो भी सही से नहीं होता है। ठीक है, तो आपने ऐसा नहीं करना है। शांति से पूरे तसल्ली के साथ क्वेश्चन भी करने हैं लेकिन स्पीड भी रखनी है, और वो स्पीड सिर्फ प्रैक्टिस से ही नहीं, थोड़ा दिमाग से भी बनती है कि हम उस टाइम पर कौन से क्वेश्चन सॉल्व करें और कौन से छोड़ दें। ठीक है, जो छोड़ रहे हैं उनका दुख नहीं मनाना है उस टाइम पर कि अरे यार ये छूट रहा है इसको भी करना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आराम से उन्हें छोड़ दीजिए। जो नहीं आ रहे या जिनमें आपको लग रहा है टाइम वेस्ट हो जाए उसकी बजाय मैं कुछ और अच्छे क्वेश्चंस कर सकती हूँ, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ, अगर जैसे रीजनिंग का सेक्शन है, चाहे मेंस हो चाहे प्रीलिम्स हो, करना सब में यही सिस्टम है। और प्रीलिम्स में तो आपको स्पीड का ज़्यादा ही ध्यान रखना होता है, 20 मिनट्स रीजनिंग में बहुत जल्दी जाते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो क्वेश्चंस सिलेक्ट करने हैं वाइजली। देखिए, वहाँ पे बैठ के ये नहीं करना है कि पहले सारे आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं। आपने क्या करना है, नज़र मारी, क्वेश्चन सामने आया, बस थोड़ा सा पढ़ा। पहली बात तो अगर पज़ल है तो आंख बंद करके बस आगे 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 करते रहिए, पज़ल में ध्यान नहीं लगाना है पहले, क्योंकि अगर आप पहले पज़ल सॉल्व करने बैठे ना, अगर वो इजी भी हुई पज़ल और आपसे बाई चांस सॉल्व नहीं हुई, पहली बात तो होती नहीं है वहाँ पर ईजी पज़ल सॉल्व भी, क्योंकि प्रेशर बहुत होता है। एग्ज़ाम स्टार्ट होता है तो हमारे ऊपर बहुत प्रेशर होता है माइंड में कि अच्छा जाएगा या नहीं जाएगा, तो वो ईजी पज़ल होती है लेकिन वो भी हमसे सॉल्व नहीं होती, और फिर बात ये हो जाती है मूड खराब हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो हमें क्वेश्चंस आते हैं ना वो भी मन नहीं करता है। ठीक है, और ये सबके साथ होता है मुझे पता है। तो आपने क्या करना है, पहले पज़ल को तो देखना भी नहीं है, चाहे अगर अगर आपको छोटी पज़ल भी दिख रही है रहने दो, कोई बात नहीं। ठीक है, एक होती है जो बिल्कुल डायरेक्शंस वाली होती है, राइट? अगर आपको लग रहा है कि आपका डायरेक्शंस पे हाथ पक्का है तब आप कर सकते हो सॉल्व, पर मैं सजेस्ट करूँगी कि मत करो। ठीक है, तो जब मेरा हाथ पक्का हो गया था तब मैं ऐसा करती थी कि हाँ चलो पज़ल कोई छोटी सी है, मुझे पता है ये 110% में सॉल्व कर लूँगी तो कर ली, लेकिन रिस्क मत लीजिए क्योंकि मूड ख़राब हो जाएगा अगर नहीं हो पाई। तो आपने क्या करना है, पज़ल काफ़ी ज़्यादा आती हैं आजकल, पज़ल ही पज़ल दिखती है, तो उनमें से पहले वो छांट लीजिए जो दूसरे टॉपिक से आए हुए हैं क्वेश्चंस, वो सॉल्व कर लीजिए। वो तो सॉल्व सभी कर लेते हैं, ठीक है, और टाइम का कोई प्रेशर नहीं लेना कि टाइम जा रहा है टाइम जा रहा है, टाइम को थोड़ी टाइम के लिए मत देखिए। ठीक है, आपने बस अपनी स्पीड अगर बना रखी है तो अपने ऊपर विश्वास रखिए कि मैं टाइम के अकॉर्डिंग कर रही हूँ। ठीक है, और जब वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, वो क्वेश्चन तो आई थिंक बहुत कम ही होते हैं जो सीरीज़ से आते हैं और आपको, या फिर लेफ़्ट राइट वाले क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट वाले, तो सारे अब पज़ल में ही सब कुछ ऐड होता जा रहा है। तो वो जो छोटे मोटे क्वेश्चन है वो कर लिए आपने सॉल्व, उसके बाद पज़ल पे आइए। ठीक है, और एक और बात, आपने देख लिया एक पज़ल हमेशा ऐसी होती है जो बड़ी होती है, ठीक है, उस पज़ल को सॉल्व करने का सोचना भी मत उस टाइम पे, वो लास्ट के लिए रखनी है, बिल्कुल लास्ट के लिए, पज़ल्स में से भी सबसे लास्ट में उसको सॉल्व करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा जब आप स्टार्ट करोगे क्वेश्चन देखना, उन क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए जिनको आपको पता है कि ये मैं सॉल्व कर लूँगी बाद में। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है पज़ल के अलावा, हो सकता है ना कि इसमें से भी कुछ ना आता हो या सॉल्व नहीं हुआ उस टाइम पे, और आपको पता है कि आप सॉल्व कर सकते हो, तो उसे मार्क कर लो। और पज़ल में भी वो पज़ल जो आपको लग रही है कि या तो आप उन्हें टिक कर लो जो आप करना नहीं चाहते, या फिर आप उन्हें करो जो आप करना चाहते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। आई थिंक बेहतर है कि उन्हें मार्क कर लें जो हम करना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो कम ही होते हैं। एक बड़ी सी पज़ल होती है उसे मार्क कर लो कि यहाँ पे तो जाना ही नहीं, इन क्वेश्चन पे तो आना ही नहीं, क्योंकि हम क्या करते हैं मार्क करते नहीं और फिर हम उलझे रह जाते हैं बार बार देखने में कि कौन सा क्वेश्चन रह गया है। तो बेटर है मार्क अपने अकॉर्डिंग कर लो, मार्क करना अच्छा रहता है, ठीक है, टाइम बच जाता है उसमें।
तो इसमें रीजनिंग में सिर्फ यही ध्यान रखना है कि पज़ल लास्ट में करनी है, और पज़ल बहुत शांति से जितना होगी उतनी आसानी से सॉल्व हो जाएगी। पज़ल इजी आती है, बस हमारा माइंड उस टाइम पे शांत नहीं होता, इसलिए सॉल्व नहीं हो पाती है। ठीक है, तो माइंड शांत रखने का थोड़ा ट्राई कीजिएगा। जो नेक्स्ट है मैथ्स, मैथ्स में आई थिंक टाइम 20 मिनट बहुत होते हैं, अगर आपको सॉल्व करने आते हैं तो आराम से जाता है मैथ्स के सेक्शन में टाइम। आपने बस यही करना है जो इजी है सबसे पहले वो कर लेने हैं, जैसे सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनके 5-5, 6-6 जितने भी आते हैं, एलिगेशन मिक्सचर के क्वेश्चंस भी इजी आते हैं, नंबर सीरीज़ में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, नज़र ज़रूर मार लेनी है पहले, अगर एक बारी में सॉल्व हो रही है ठीक है, वरना जाने दो, आगे आने दो, आगे क्वेश्चंस करिए, बाद में आ जाइएगा उसके ऊपर। आपने कहीं रुकना नहीं है, सॉल्व हो रहा है ठीक है, माइंड में ये बिल्कुल नहीं रखना कि लास्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो मूड ख़राब हो जाता है, फिर अगला भी नहीं होगा अगर आता भी होगा। बोट एंड स्ट्रीम्स के क्वेश्चंस भी ईजी होते हैं, उन्हें भी सॉल्व कर लीजिए। मतलब आपने वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको लग रहा है कि ईजी है, मैं ये कर सकता हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए जिससे। और DI लास्ट में करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि DI में क्या होता है, होती वो भी ईजी है बट थोड़ा डाटा समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और अगर एक DI अगेन ऐसा होता है जिसमें डाटा सा भी थोड़ा समझ में नहीं आता है तो वहाँ पे टाइम वेस्ट हो जाता है और कॉन्फिडेंस भी लूज़ हो जाता है। तो DI पहले ना ही अटेम्प्ट करें तो बेहतर है, पहले बाकी सारे क्वेश्चंस देख लीजिए और जिन पे डाउट है उन्हें मार्क कर लीजिए कि ये मैं बाद में देखूंगी अगर टाइम बचा तो। और ये लग रहा है कि टाइम जाएगा बट ऐसा नहीं है, आपका टाइम सेव होगा यहाँ पे जब आप मार्क करते हो क्वेश्चन, आपको बार बार सेम क्वेश्चन की शक्ल नहीं देखनी पड़ती। ठीक है, आपको पता होगा कि कौन से क्वेश्चन पे फटाक से जाके सॉल्व करना है। जो इंग्लिश है, इंग्लिश में देखिए अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं तब तो आप जो मर्जी चाहो वो करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं तो आप पैराग्राफ पहले करिए या लास्ट में, कुछ वो नहीं है। ठीक है, आप पहले भी करोगे तो भी आपको फ़ायदा है, लेकिन अगर आपकी रीडिंग स्किल्स वीक हैं तो पैराग्राफ लास्ट में कीजिएगा, क्योंकि फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा। पैराग्राफ में क्या होता है, क्वेश्चंस कुछ ऐसे भी बनते हैं जिनमें हमें डाउट होता है कि ऑप्शन में से, दो ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा, तो इतना लंबा जो पैराग्राफ है वो आप पढ़ोगे भी, उसके बाद भी आपको क्वेश्चन डाउट में डाले तो फिर टाइम वेस्ट हुआ। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, एरर आई थिंक इजी आते हैं, एरर कीजिए, या मैच द फॉलोइंग आता है वो कीजिए, या फिर और भी कुछ एक्स्ट्रा जितना है वो कर लीजिए, रीअरेंजमेंट भी देख लीजिए, कहीं पे भी टाइम नहीं वेस्ट करना, रुकना नहीं है, रीअरेंजमेंट नहीं हो रही छोड़ दो, मार्क करके आगे बढ़ो। जो पैराग्राफ है सारे क्वेश्चन एक बार देखने के बाद लास्ट में पैराग्राफ भी कंप्लीट कर लो, उसके बाद जो बच गए, जो आपने मार्क किए हुए हैं वो आपने सॉल्व करने हैं। ठीक है, ऐसे ही बाकी सेक्शन में भी जो मार्क आपने किए हैं जिन पे आपको डाउट था उन्हें सबसे लास्ट में करना है। ठीक है, तो इंग्लिश में यही है, और इंग्लिश में आई थिंक ईजी आती है इंग्लिश अगर आपने पढ़ी है, और किसी की भी इंग्लिश वीक नहीं होती है, लैक ऑफ प्रैक्टिस है। ठीक है, अगर आपको लगता है इंग्लिश वीक है तो ऐसे नहीं है, आप उसमें प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप सुधर जाएगी। ठीक है, बचपन में तो हिंदी भी नहीं आती थी, कोई और सब्जेक्ट भी नहीं आता था, वो भी तो सीखा है ना, तो आपने इंग्लिश को अगर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया तभी वो आपकी वीक है, उस पर ज़्यादा ध्यान दोगे तो ठीक हो जाएगी। ठीक है, और जो जनरल अवेयरनेस है, अगर मेंस की बात करें तो उसमें जनरल अवेयरनेस भी ऐड हो जाता है, तो जनरल अवेयरनेस में सिर्फ एक ही जो है टिप है वो है कि आपने सेफ अटेम्प्ट पहले करने हैं, बच्चे तुक्के तो मारते ही मारते हैं मुझे पता है। ठीक है, वो तो पीछे हटेंगे नहीं, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमने पढ़े होते हैं बट वहाँ पे जाके क्या होता है ना, दो ऑप्शंस में डाउट हो जाता है कि या तो ये होगा या ये होगा, पक्का पता होता है कि इन दो में से ही होगा, और फिर मन नहीं मानता कि हम उस क्वेश्चन को छोड़ दें, तो तुक्का तो वहाँ लगता ही लगता है कि देखी जाएगी। तो आपने सबसे पहले काउंट कर लेने हैं, सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टार्ट हुआ जनरल अवेयरनेस का सेक्शन, पढ़ा क्वेश्चन, आता है ठीक है, नहीं आता छोड़ दो। 20 मिनट आई थिंक उस टाइम पे हमें 35 मिनट्स मिलते हैं, यस, मेंस में तो बहुत ज़्यादा टाइम है वो, तो आपने सबसे पहले क्वेश्चंस वो करने हैं जो आपको पक्का श्योर है कि आते ही आते हैं। जब आपने वो सारे कर लिए उसके बाद देख लीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए हैं, सपोज़ अगर आपने 25 या 25 से ऊपर कर लिए हैं जो आपको पता है 110% सही होंगे, फिर उसके बाद आप तुक्के मार सकते हो। अगर ऐसा हुआ कि बिल्कुल ही आपको कुछ नहीं आता GA में तो फिर तो आपको मारने ही पड़ेंगे, फिर तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन अगर आपने 20-22 अगर करे हैं या 20 से थोड़ा नीचे है, 15-16 करे हैं, तो थोड़ा देख के संभल के एक दो तुक्के मारिएगा, ना ही मारे उस टाइम पे तो ठीक है, तुक्के आप तभी मारें जब आपको पता है कि आपने इतने अटेम्प्ट कर लिए हैं कि अगर थोड़े बहुत नेगेटिव मार्किंग में कटेंगे भी तो भी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से जनरल अवेयरनेस करनी है, आई थिंक इतने तो हो ही जाते हैं, बाकी पेपर बनाने वालों के हाथ में भी है, तो अगर आपने पढ़ी होगी तो फिर कुछ बिहार नहीं है। ठीक है,
तो आई होप आपको ये टिप्स अच्छी लगे और ट्राई करके देखिएगा एक बार, किसी पेपर में तो कीजिएगा, ये ज़रूर फ़ायदा करती हैं और स्पीड में फ़र्क आता है बाकी आपकी प्रैक्टिस। सो आई होप आपको अच्छी लगी हो वीडियो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू सो मच।